उसने मुझे ऐसे पलकों पे रख रखा था। मुझे कुछ भी हो जाता था ना तो उनकी जान निकल जाती थी। उन्हें लगता था तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता। कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा, बताओ कैसे? कैसे कैसी रही अंकिल? हेलो, अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साथ। ए मेरे मालिक, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। कोशिश करते हुए मुझे बदनाम करने की, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, मेरा नाम तो होने दो। क्या आप नहीं मानते खुदा ने इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी? नो नो, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्लाह पाक की रहम दली पे जरा भी शक नहीं था। नो नो, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। पता, नॉर्मली लोगों की अच्छी होती है, मेरी भी अच्छी है, लेकिन आपकी ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है। लाओ नंबर दे दो अब। क्यों? क्यों क्या होता है भाई, अब कोई तो चाहिए ना इस स्माइल को बरकरार रखने के लिए। लाओ दो। अरे अच्छा लड़का हूँ मैं, चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लड़ते थे, गुस्सा करते थे, तुम्हारे पास तो तुम्हारे 10 दोस्त रहते थे ना बात शेयर करने के लिए, तुम घूम के आते थे, तुम खुश रहते थे। पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे से। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसे, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं खुश हूँ मैं खुश नहीं हूँ? नहीं ना, मैंने नहीं सोचा। मैं अकेले इस कमरे में बैठी रहती थी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पड़ता फर्क। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं। मोहब्बत के नशे में हम उसे खुदा समझ बैठे, मोहब्बत के नशे में हम उसे खुदा समझ बैठे। होश तब आया जब उसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा